मैम एक कुछ प्लेसेस ऐसी जहां के पार्षदों की डेथ हो चुकी है, वो एक तरीके से लावारिश, उन क्षेत्रों के लिए मैम किस तरीके से आप निगरानी रख रही हैं? उन क्षेत्रों में वहां के हमारे नगर आयुक्त के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा वहां पर कार्य कराया जा रहा है। जो भी समस्याएं वहां की आती हैं, मैं मंगल दिवस पर बैठती हूँ, वहाँ की समस्याएँ आती हैं उनको मैं स्वयं देखती हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शतेज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के जोन 2 में हूं और ये जो वार्ड है वो कुंडरी रकाबगंज वार्ड है। राजधानी लखनऊ के बारे में बता दूं, सिटी तो पूरी स्मार्ट कर दी गई है, लेकिन ये जो बुल्लौजपुरा का इलाका है, यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जल भराव की समस्या है। ये काफ़ी समय से है। मैंने कुछ समय पहले एक खबर भी की थी, उसमें साफ तौर पे आप देख पा रहे थे कि जो सड़क की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई थी कई सालों से। और अभी जो बात हो रही है स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी का आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो साफ आपके स्क्रीन पर है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की स्थानीय लोग हैं, हम यहाँ बात करेंगे और जानेंगे ये समस्या कितने समय से हो रही है और इसको लेकर के किस तरीके की कंप्लेन की गई और क्या आश्वासन मिले। सबसे पहले चाचा आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या चाचा? मेराज नाम है मेरा। मेराज जी यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? अरे मुझे कम से कम 35 साल हो गए होंगे यहाँ रहते। 35 साल हो गए। ये समस्या जो जल भराव की है ये कितने सालों से हो रही है? अरे 6-7 सालों से ये बवाल है। ये जब भाई रहा और कंप्लेनें करते हैं, वो लोग आते हैं, ऊपर ऊपर का पानी निकाल के चले जाते हैं और कहते हैं भैया हो गया, दूसरे दिन फिर भर जाता है गटर में सब। इसको लेके कभी आपने जब कंप्लेनें की तो जब आपने बताया फिर से वैसी समस्या हो, दोबारा इसके लेकर क्या आश्वासन दिया गया कि परमानेंट इस चीज़ का निजात मिल जाए? परमानेंट इसका कुछ नहीं है, बस वो आए, देखे, थोड़ा सा किया, कराया, चले गए, बस यही है और कुछ नहीं है। और लोग आते हैं, देखते भालते हैं और फिर चले जाते हैं। ना नालियाँ सफा कराते हैं और ना ये कराते हैं। अभी हम लोगों ने अपने पैसे अपनी जेब से दे के ये नालियाँ सफा कराई हैं। कभी कोई आला अधिकारी कभी यहाँ पे आए? अधिकारी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बस यही है। अच्छा, ये जल भराव की समस्या को लेकर के बताते क्या है आप लोग को? ये समस्या क्यों हो रही है? वो बता रहे हैं अय्यागंज में कहीं पे फंसा हुआ है, उसकी वजह से सब बवाल है। ये वहाँ का रोड कायदे से काम हो नहीं रहा है और बस कुछ फंस गया है, ये है, वो है, बस यही सब चल रहा है मसला है। 5-6 सालों से रोड डेली यहाँ कोई ना कोई गिरता है, कोई ना कोई के हाथ पैर टूटते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, रोज का है ये। अच्छा, अभी अभी योगी जी एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर के। वो स्मार्ट सिटी को लेकर जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है, सिटी स्मार्ट हो रही है या नहीं? इधर तो नहीं हुआ, बाकी किसी तरफ भी हुआ हो बता नहीं सकते भैया। इधर तो आप खुद ही देख रहे हैं, सब सामने ही सामने है। अब किस रोड पर क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम, मगर इधर कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ। बिल्लौजपुरे में हूँ, इधर बता रहे कुछ नहीं हुआ, सिटी पूरी स्मार्ट हो रही है, लेकिन बिल्लौजपुरे में पिछले 7 साल से लगातार यही हाल है। कुछ लोग और भी स्थानीय, उनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद इलियास। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ 30 साल से। 30 साल से। ये समस्या कब से हो रही है? समस्या लगभग यहाँ से 5 साल से है। 5 साल समस्या। इस समस्या को लेकर के आप लोग जब आला अधिकारी से मिले तो उसके बाद उन लोगों ने आपको किस तरीके का आश्वासन दिया? ये आश्वासन ये मिलता है कि ये कल नाइट में गाड़ियाँ लगेंगी, नाइट में साफ़ हो जाएगा, लेकिन नाइट में काम होता है, लेकिन ये नाइट में काम हुआ, मॉर्निंग से फिर ये पानी जल भराव चालू हो जाता है। कभी इसका कभी कोई निजात आपको कोई फुल इसका वो नहीं हो रहा परमानेंट कि इससे पानी से हम लोग को ये निजात मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 रोज़ बस निजात है, तीसरे रोज़ पानी चल जाएगा। महीने के 20 रोज़ पानी इस रोड पर चलता है। अच्छा, आप लोग को किस तरीके की समस्या होती है जल भराव से? जल भराव से हम लोग को सारी समस्याएँ, आने जाने का रास्ता नहीं है, पैदल निकलने वालों को बिल्कुल किनारे से जाना है, वो भी पानी से ही गुजर के जाना पड़ेगा। गाड़ी वालों को तो निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गड्ढे गड्ढे रोड, ये रोड कभी बना ही नहीं है, तो लगभग 7 साल से रोड पे ही नहीं बनाई है। अच्छा, ये जो जल भराव है इसको लेके हम एक चीज़ और सुनने में आ रहा था लगातार कि सीवर को लेके भी काफ़ी समस्या है, क्या ऐसी भी समस्याएँ हैं यहाँ पे? यहाँ सीवर लाइन चौक होने की वजह से तो सारी समस्याएँ हैं। सीवर लाइन है अजबाग की चौक, वो सारा पानी बैक इधर होता है बिल्लौजपुर रोड पर, इसकी वजह से ये समस्या आती है। अच्छा, ये जो समस्या है जो सड़क पे मुझे दिखाई दे रही, कैमरामैन से कहूँगा पूरा घुमा करके दिखाएं, ये जो समस्या जो सड़क पे जो दिखाई दे रही, क्या ऐसी समस्या है, क्या गलियों में भी है? नहीं, गलियों में नहीं, मैं तो यहाँ की गलियों की ऐसी कोई समस्या नहीं, जल भराव रोड का है, अब गलियों में तो ऐसा नहीं ना जल भराव हो रहा हो। बाकी यहाँ पे नालियों की शील्ड नहीं निकाली जाती है, वो अभी हम लोग ने प्राइवेट निकलवाई गई है। यहाँ पर पैसा दे के प्राइवेट लोगों से काम कराया है, यहाँ के सुपरवाइज़र से कहा गया काम नहीं हुआ है। सुपरवाइज़र कभी सुनते नहीं है, नहीं कोई, बस वो आश्वासन देते हैं कि कल हो जाएगा, ये नहीं कहते कि नहीं होगा, कल हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अच्छा एक बात और भी कर ले, क्या कभी महापौर से मुलाकात करने की कोशिश की, क्या कभी नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश की, उनसे कभी बात हुई आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, ना हम लोग ने मुलाकात की, ना उनको कोई एप्लीकेशन दी गई अभी तक। पार्षद जी से कभी मुलाकात की आप लोग? पार्षद जी इस क्षेत्र के हैं ही नहीं। उषा शर्मा जी, जब वो इलेक्शन हुआ तो उसकी कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। आपको बता दूँ महापौर जी से मेरी बात हुई थी, उसमें महापौर जी ने साफ तौर से कहा था जिन वार्डों में अगर पार्षदों की डेथ हो चुकी है तो उसका ध्यान वो स्वयं रख रही हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। यहीं पर रहते हैं जी? कितने सालों से? हमको होगा कम से कम 15-20 साल यहाँ रहते। 15 साल हो गए। समस्या कब से हो रही है? सब समस्या जो बहुत दिन से। अच्छा, जो समस्या होती है, आप लोग नमाज भी पढ़ने जाते हैं, काफ़ी धर्म से जुड़ा हुआ बातें होती हैं कि वज़ू करके जाना चाहिए, है ना, तो ये सब गंदगी को ले करके जब समस्याएं होती हैं तो इसको लेकर कभी आपने किसी को शिकायतें करी? शिकायतें को बोलना चाहिए। किस तरीके की दिक्कतें होती हैं आप लोग? अरे छींटा पड़ जाती, फिर नहाना पड़ता जाके, यही सब होती है, काफ़ी दिक्कतें हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा नाम क्या आपका? मोहम्मद रियाज। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम यहाँ करीब करीब 35 साल से रह रहे हैं। समस्या ये जो जल भराव की दिख रही है कब से? ये कम से कम मैं जब से आया हूँ मुसलसल ये चल ही रहा है मामला, और अब ज़्यादा हो गया। कभी कोई निरीक्षण करने आता है? कभी कोई निरीक्षण करने आता है यहाँ पे? कोई कुछ नहीं, ना कोई बीजेपी के MLA हों या सभासद हों या जो भी हों, कभी कोई आता ही नहीं, और दूसरी बात घूम के देखता भी नहीं। क्या है, हम लोग समझ लीजिए जहन्नुम में रह रहे हैं। आप लोग को नर्क हो गया है, आप देखिए क्या हालत है यहाँ की, और जो है क्या बोलते हैं आना जाना गाड़ी चलाना मुश्किल। अच्छा ये जो समस्या है क्या गलियों में भी है या सिर्फ सड़क पे समस्या दिखती है? ये मेन रोडों की समस्या है, गलियों की तो और अलग है, गलियों की अलग है मेन। हाँ सीवर सब भरे पड़े हुए, सफाई नाम की चीज़ नहीं, खाली खाना पूरी वाली बातें हैं, और जो काम होना चाहिए अब जैसे यहाँ सीवर लाइन पड़ जाए जल भराव ख़त्म हो जाए। आज से 50-60 साल पहले की जो भी पड़ी हुई हैं वो सब चौक है, आना जाना मुश्किल है, लोगों का उठना बैठना मुश्किल, रिक्शे पलट जाते हैं, सबको इतनी परेशानी के बता नहीं सकते हम। काफ़ी दिक्कतें हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। हाँ सुनवाई कोई नहीं है, चाहे रास्ता जाम किया जाए, चाहे इनकलाब के नारे लगाए जाए, वैसे बीजेपी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात है साहब, सीधे सरकार को ही जो बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के लगातार वर्क बात हो रही है, स्मार्ट सिटी के तहत काफ़ी पैसा पारित किया गया है, गलियों में सड़कों पे सिटी स्मार्ट बनाई जा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी का बुल्लौजपुरे में नज़ारा जो है, कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से दिखाएं, ये पूरी गली जूम करके दिखाएं एंड तक के कि यहाँ का नज़ारा क्या है। आप साफ तौर से ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग गुजरते जा रहे हैं, जल भराव की समस्या है, काफ़ी सालों से लगातार है, यहाँ 5 से 7 साल से लगातार समस्या है। कभी इसको ले करके कोई भी बड़ा कदम ऐसा नहीं उठाया गया कि ये परमानेंट इससे निजात मिल जाए। चाचा आपसे बात करूंगा, आपका नाम क्या है? मुमना। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ 20 साल से। कभी इसको लेकर के कभी आला अधिकारी से कोई शिकायत आप लोगों ने करी है? आपसे भी की है, बहुत लोगों से भी की है, लेकिन इसका मसला हल नहीं हो पा रहा किसी। नगर निगम में जाके हम लोग ने बहुत सी दरख्वास्तें दी, और नगर निगम वालों से रवि भाई हैं हमारे, और लोग हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर, नीलेश भाई, सब लोग इकट्ठा होकर नगर निगम ऑफिस गए और बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, लेकिन कार्रवाई कोई काम हुआ नहीं, ये सच्चाई है। और हम लोग को जो परेशानी का मामला है, ये समझिए कोई फंक्शन नहीं कर सकते, कोई तरीके से आ जा नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम, काफ़ी समस्या है। चाचा आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? हम नहीं बोल पाएंगे बेटा, मैं चलिए आप आ जाए, आगे आ जाइए, आप बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम। यहाँ पे कब से रहना भैया? यहाँ से करीब 35 साल गए। 35 साल से, और ये समस्या लगातार बनी हुई है, इसको ले करके शिकायतें भी करी गई। वहाँ से कोई अधिकारी यहाँ पे आता है फील्ड पे? नहीं, कोई नहीं आता है, कभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आता है। सुपरवाइजर से कहा जाता है, वो करते नहीं है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। और यहाँ के नाले भी अगर साफ करवाते हैं तो प्राइवेट हम लोग अपने पैसों चंदा अंदा करके तो वो साफ कराते हैं। लेकिन सरकारी काम यहाँ कोई नहीं होता है। अच्छा, महापौर जी से बात करी जाए या फिर बात की जाए नगर आयुक्त से, तो वो लोग तो साफ कहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र का अगर पार्षद की अगर डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, तो वो खुद उसकी निगरानी रख रहे हैं। क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है? खुद ये लोग आए? कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सूरत तक नहीं, कोई निगरानी नहीं, आते ही नहीं कोई, सूरत तक ही कोई आता ही नहीं, आज तक आए ही नहीं कोई, कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता होता तो ये पोजीशन थोड़ी ना होती, अगर कोई आता होता तो ये पोजीशन थोड़ी ना होती। 1.5 फुट के गड्ढे हो गए, बच्चे निकलते हैं स्कूल, वो गिरते हैं, कोई नमाजी निकलता वो छिप जाता है, रास्ता चलना दिक्कत है, चारों तरफ नालियाँ चौक पड़ी हैं, सीवर सब चौक पड़े हैं, अब रिक्शे पलट जाते हैं, आदमी चोट खा जाता है। सामने स्कूल है, बच्चों को आने में परेशानी। देखिए सामने एक स्कूल है, दिखा रहे वेस्टर्न वेज स्कूल सामने है, उसी के सामने का नज़ारा है। ये एक छोटा तिराहा है जहां से गुजर के तमाम बच्चे जाते होंगे, रिक्शे पलट जाते, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। सड़क पर 1.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं, लेकिन सुनवाई चैनल पे खबर चलने के बाद हो या फिर एप्लीकेशन देने की बात हो, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। सबसे पहले आपसे कहूँगा ये वीडियो देख लें जिसमें महापौर क्या कह रहे हैं, जिस क्षेत्र में पार्षदों का इंतकाल हो गया है उस क्षेत्र में किस तरीके से निगरानी रख रहे हैं। मैम, कुछ प्लेसेज ऐसी जहां के पार्षदों की डेथ हो चुकी है, वो एक तरीके से लावारिश, उन क्षेत्रों के लिए मैम किस तरीके से आप निगरानी रख रही हैं? उन क्षेत्रों में वहां के हमारे नगर आयुक्त के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा वहां पर कार्य कराया जा रहा है। जो भी समस्याएं वहां की आती हैं, मैं मंगल दिवस पर बैठती हूँ, वहाँ की समस्याएं आती हैं, उनको मैं स्वयं देखती हूँ। तो आपने यहाँ बिल्लौजपुरे के लोगों की समस्या सुनी, आपने महापौर को सुना, साफ तौर से यहाँ पे जो लोग हैं इनकी नाराज़गी है। सिटी पूरी स्मार्ट है, लेकिन इनके क्षेत्र में किसी भी तरीके का अभी तक के पिछले 5 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे यहाँ पर जो समस्याएं हो रही है उसको लेकर के संपूर्णतः निजात मिल जाए। जुड़े रहें ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ, मैं हूँ शतेज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।